हम इस वक्त कोलंबो के गोलफेस रोड पे हैं और हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं सोल्जर्स की तैनाती, ये आज रात के 12 बजे से हुआ। रात के 12 बजे जो हमें खबर मिली कि फोर्सेस जो है ट्रूप्स, श्रीलंकन फोर्सेस, वो इस प्रोटेस्ट साइट को, जो प्रोटेस्ट यहाँ पे 3 महीने से चल रहे थे, उनने टेंट्स लगाए थे, उनके तंबूज लगे हुए थे, उन तंबूज में प्रोटेस्टर्स पिछले 3 महीने से रह रहे थे। तो ये रिपोर्ट्स आई कि फोर्सेस उन टेंट्स पे क्रैक डाउन कर रहे हैं। जब हम वहाँ जाके देखा कि इन फोर्सेस ने, जो श्रीलंकन पुलिस आर्मी के सोल्जर्स हैं, इन्होंने वो तंबू, वो टेंट्स तोड़ने शुरू किए। एंड उसके बाद ये इस पूरे रोड को, जो स्ट्रेच है, इसको बंद कर दिया। जर्नलिस्ट को शूट करने या फिल्म करने, कवर करने नहीं दिया गया। जर्नलिस्ट इस पॉइंट से आगे अलाउड नहीं है। उस साइड से भी जर्नलिस्ट जो आते हैं उनको भी इस साइड आने की इजाज़त नहीं है। ये वो जगह है जहाँ पे 3 महीनों से प्रोटेस्ट चल रहे थे। मेरे पीछे हैं प्रेसिडेंट्स सेक्रेटरी, जो प्रेसिडेंट यहाँ के हैं, उनका ऑफिस। 9 जुलाई को जब प्रोटेस्टर्स ने इस रोड पे मार्च किया था, गोल रोड पे, तब जाके प्रोटेस्टर्स ने प्रेसिडेंट सेक्रेटरेट को भी टेक ओवर किया था और इसके साथ साथ प्रेसिडेंशियल पैलेस पे भी कब्जा किया था। हालांकि प्रेसिडेंशियल पैलेस को प्रोटेस्टर्स ने रिलीज़ करके गवर्नमेंट को हैंड ओवर किया था, लेकिन ये बिल्डिंग अभी भी प्रोटेस्टर्स के पास ही थी। हालांकि प्रोटेस्टर्स ने ये कहा था कि वो फ्राइडे यानी आज के दिन अपना प्रोटेस्ट एंड करेंगे और इस बिल्डिंग को भी रिटर्न करेंगे, लेकिन आज रात को ही गवर्नमेंट फोर्सेस ने इस बिल्डिंग को वापस रिक्लेम किया। पूरा वापस बैरिकेटिंग हुई, बिल्डिंग का जो फेंस है उसको खड़ा किया गया, प्रोटेस्टर्स को यहाँ से भगाया गया और यहाँ से फिर फोर्सेस ने दो साइड से प्रोटेस्टर्स को अंदर प्रेशर करते गए और उनके टेंट्स फाड़े। इस टाइम कंप्लीट सीज का माहौल है। क्लैरिटी नहीं है कितने प्रोटेस्टर्स जख्मी हुए हैं, वो नंबर्स की भी कोई क्लैरिटी नहीं है। हालांकि रिपोर्ट्स बहुत आ रहे हैं कि कुछ लोगों को डिटेन किया गया है, कुछ लोग जख्मी हैं। गोलफेस रोड, जो प्रोटेस्ट का एक सेंटर बना था पिछले 3 महीनों से, अभी एक सीज के अंदर है, जहां पे श्रीलंकन फोर्सेस ने इसको कंप्लीट बंद किया हुआ है। फ्यूचर अभी नहीं पता, जो नए प्रेसिडेंट रनिल विक्रमसिंघा, जिन्होंने कल ही शपथ ली और इस कंट्री की कमांड संभाली, उनका ये पहला कदम यही है कि इस प्रोटेस्ट पे उन्हें क्रैक डाउन किया। हालांकि अगर हम श्रीलंका के हालातों की बात करें, श्रीलंका में इकोनॉमिकल क्राइसिस अभी वैसी ही है। पेट्रोल स्टेशन के बाहर अभी भी लंबी कतारें हैं। कहा जाता था कि ये प्रेसिडेंट के पास सबसे बड़ा चैलेंज ये होने वाला है कि इस प्रोटेस्ट और लोगों से लेजिटिमेसी कैसे वो हासिल करें, एट द सेम टाइम ये जो हालात है, इन हालातों को कैसे काबू में करें। आमिर पीरजादा, BBC News, कोलंबो।